नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किराना स्टोर कौन सी जगह पे खोले। तो दोस्तों, हम गांव से बिलिंग करते हो तो हमें गांव में ऐसी जगह पे किराना स्टोर खोलनी चाहिए कि जहां लोगों की भीड़ भाड़ रहती हो, लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता हो, सुबह शाम लोग वहाँ से गुजरते हो। तो ऐसी जगह हमारे गाँव में होती है, उसको हम चौराहा कहते हैं। गांव में किराना स्टोर चौराहे पे हो तो वहां पर बिक्री अच्छी रहती है, क्योंकि सुबह और शाम लोगों का वहां आना और जाना ज़्यादा रहता है और उनकी नज़र में आपकी स्टोर आ ही जाती है। गांव के गलियां और मोहल्ले के सारे रास्ते चौराहे पे आके मिलते हैं, तो लोग वहां से गुजरते हैं और लोग वहां से गुजरते हैं तो उनकी नज़र आपकी स्टोर पर आ ही जाती है। तो वो ज़रूर एक बार तो वो आपकी स्टोर पर लेने को ज़रूर आएगी। गांव में किराना स्टोर चौराहे पे हो तो बिक्री अच्छी रहती, क्योंकि गांव के सभी गलियां और मोहल्ले के सभी रास्ते जो आते हैं वो चौराहे पे आके मिलते हैं, तो उनकी नज़र में आपकी स्टोर आ ही जाती है। तो कम से कम एक बार तो ज़रूर आपकी स्टोर पर कुछ ना कुछ खरीदने आएंगे, तो वैसे भी थोड़ा बिक्री हो जाती है। दूसरा ये भी फायदा रहता है कि गाँव के चौराहे में कोई बड़ी मीटिंग हो, कोई नाटक मंडली आई हो, कोई ग्राम में मीटिंग हो, ग्राम सभा की मीटिंग हो, कोई सुबह शाम वहाँ से जो दूध मंडली में दूध बेचने जाते हैं तो वही सभी रास्ते वहाँ से मिलते हैं, तो ग्राहक वहाँ से हमें अपने आप मिल ही जाते हैं और जो रोज़ाना हमारे ग्राहक है वो भी आएंगे, तो कम से कम 30% तो हमें एक्स्ट्रा ग्राहक गाँव के चौराहे पे हो तो यह फायदा हमें रहता है। दूसरी जगह है हमारे गांव का बस स्टैंड, तो जहां रोज़ाना गांव के कम से कम 20-30% लोगों को तो बाज़ार में जाना ही पड़ता है, तो वह लोग वहां तो आना है। जब लोग वो बस स्टैंड पर आएंगे तो कहीं बस की देरी हो, ऑटो वाला कहीं हाजिर ना हो, तो उनको वहाँ 5-10 या 15 मिनट बैठना पड़ता है। तो सभी अभी तो व्यसन कर रहे हैं, तो वो कोई बीड़ी लेगा, तंबाकू लेंगे या कोई गुटखा लेंगे, तो वहाँ से भी हमारी थोड़ी बिक्री हो जाती है। दूसरा वो भी एक फायदा रहता है कि जो रोड टच होती है पार्लर वहाँ, तो लोग वहाँ से गांव के हो या बाहर से भी वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीने के लिए वहाँ आएंगे, थोड़ी देर अपना पार्क या गाड़ी वहाँ रुकेंगे तो वहाँ से आपके पार्लर से कोल्ड ड्रिंक्स खरीदेंगे, कोई बच्चों के लिए बिस्किट खरीदेंगे, कोई बड़ा आइसक्रीम खरीदेंगे, तो ये सब चीज़ें हो तो पार्लर वहाँ ज़्यादा चलता है रोड टच में जो बस स्टैंड वगैरह बनना है हमारा। तो दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ और लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वैसी जगह पर हमें खोलनी चाहिए। तो दोस्त, आप भी मेरी तरह गाँव में किराना स्टोर खोलना चाहते हो तो मेरा यही निजी अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव के चौराहे पे या गांव के बस स्टैंड पे हो सके तो वहाँ किराना स्टोर खोलें, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती हो और लोगों का आवागमन तो जैसे 20-30% तो वैसे ही आपकी बिक्री हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।